दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गूगल मैप जो कि आप मोबाइल फोन में यूज करते हो उसमें स्पीडोमीटर कैसे ऑन करना है। ये जानना आपके लिए जरूरी तब हो जाता है जब दो केसेस हो सकते हैं। पहला तो ये आपको शायद पता ही ना हो कि गूगल मैप जो है ये स्पीड भी दिखाता है आपके बाइक की या फिर आपके कार की, ठीक है। दूसरा कि किसी कारण से ये सेटिंग आपके मोबाइल में डिस्टर्ब हो गया हो या बंद हो गया हो और आप भूल गए हो कि ऐसा भी कुछ होता है। आपको लग रहा हो कि गूगल मैप ने बंद कर दिया इस सिस्टम को, बट ऐसा नहीं है। तो ये दो केसेस में ये यूजफुल हो जाता है ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गूगल मैप में मोबाइल फोन के ऐप में आप स्पीडोमीटर कैसे चालू कर सकते हो, आप अपने बाइक की या अपने कार की स्पीड कैसे जान सकते हो ड्राइविंग के वक्त। तो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक केयर हिमांशु। तो दोस्तों, टेक केयर हिमांशु के ऊपर हम टेक्नोलॉजी और साइंस की बातें करते हैं। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी और साइंस में जरा भी इंटरेस्ट होगा तो नीचे रेड क्रम में लिखकर सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक फटाफट पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए मोबाइल फोन के गूगल मैप ऐप में चलते हैं और वहां देखते हैं कि स्पीडोमीटर के फंक्शन को, सेटिंग को कैसे ऑन करना है। तो दोस्तों, ये है गूगल मैप आपके मोबाइल फोन का, जो गूगल मैप का ऐप है वो है ये। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड के ऊपर के जो तीन लाइन दिखे आपको उसको क्लिक करना है, वो है मेनू का बटन। यहाँ पे सबसे नीचे जाना है, आपको सेटिंग्स लिखा हुआ है, सेटिंग्स में जाना है। ओके, आप एक बार फिर से पीछे करके देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको सबसे नीचे जाना है, वहाँ पे नेविगेशन सेटिंग्स ढूंढना है। ऊपर से देखिए, पहला जो लाइन है ये नेविगेशन सेटिंग्स का लाइन है, इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद फिर से आपको सबसे नीचे जाना है। यहाँ पे देखिए, तीसरा जो लाइन है ये स्पीडोमीटर का है, इसको क्लिक करेंगे तो ये जो डॉट है राइट साइड में ये ब्लू हो जा रहा है। ब्लू होने का मतलब है कि स्पीडोमीटर ऑन हो गया, और ये जो ब्राउन ग्रे कलर होने का मतलब है कि स्पीडोमीटर ऑफ हो गया। ओके, तो ये जो स्पीडोमीटर का जो बटन है ये, इसको क्लिक करके आपको ब्लू कर देना है ताकि आपका स्पीडोमीटर का सेटिंग ऑन हो जाए। इससे होगा ये कि आप जब भी ड्राइव करोगे गूगल मैप ऑन करके, या फिर डायरेक्शन ढूंढोगे, कहीं जाना है आपका, कोई एड्रेस ढूंढोगे, ओके, डेस्टिनेशन ढूंढोगे, कोई जगह या कोई प्लेस इंपॉर्टेंट ढूंढोगे, डायरेक्शन देखोगे गूगल मैप के ऊपर, और उसके बाद ये बोलेगा ड्राइव करना है, स्टार्ट का एक ऑप्शन आता है, स्टार्ट आप कर लोगे तो स्टार्ट में आप जैसे जैसे चलोगे, ड्राइव करोगे, बाइक ड्राइव करोगे, कार ड्राइव करोगे, उस केस में आपको ये रास्ता भी दिखाएगा और साथ में स्पीडोमीटर भी दिखाएगा, यानी कि स्पीड भी दिखाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करके अपने सभी दोस्तों को बताइए, जिनको पता है उनको भी और जिनको नहीं पता है उनको भी। ये काम की इन्फॉर्मेशन है, बहुत मजा आता है जब हम ड्राइव करते वक्त गूगल मैप में अपनी कार की स्पीड या अपने बाइक की स्पीड देखते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा ट्रिक जो मेथड है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो इसी तरह के साइंस टेक्नोलॉजी के वीडियो, टिप्स एंड ट्रिक्स, अनबॉक्सिंग, ये सभी चीजें हम टेक केयर हिमांशु के ऊपर लेके आते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नए पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।